राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर दावे को लेकर के शरद पवार और अजीत पवार गुट अपना अपना पक्ष रखने शुक्रवार को चुनाव आयोग पहुंचे। शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इलेक्शन कमीशन में सुनवाई के बाद अजीत पवार गुट को लेकर के दावा किया कि वे झूठ बोल रहे हैं। इस दौरान उनके साथ एनसीपी चीफ शरद पवार भी मौजूद रहे। सिंघवी ने अजीत पवार गुट पर गलत और फर्जी दस्तावेज देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अगर कोई गलत दस्तावेज देता है तो उसको नहीं माना जा सकता। ऐसे भी लोगों का दस्तावेज दिया गया जिनकी मौत हो चुकी है। लोगों ने मना भी कर दिया कि उन्होंने साइन नहीं किए हैं। एक पार्टी को गलत कागज के जरिए तोड़ने की कोशिश की गई। देखिए शरद पवार जी हमारे साथ खड़े हैं। हम लोग अभी पेश हुए विस्तार से, विस्तृत रूप से लगभग 2 घंटे की पेशगी हुई है। चुनाव आयोग के समक्ष मुख्य रूप से 2-3 बातें हुई हैं जो हमने रखी। पहले हमने ये बड़ा स्पष्ट कहा कि आपने अभी तक हमें बिना सुने कोई विवाद है कि नहीं, कोई डिस्प्यूट है कि नहीं आपके अनुच्छेद के अंदर, वो निर्णित कर लिया है, वो गलत होगा। पहले हमको सुने प्राथमिक रूप से और फिर निर्णित करें कि कोई डिस्प्यूट विवाद है कि नहीं। दूसरा, हमने सुनवाई नेचुरल जस्टिस का मुद्दा भी उठाया। हम रिस्पोंडेंट्स हैं, हम जवाबदेही करते हैं, इसलिए हमने ये पहले रूप से प्राथमिक विरोध किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि वो हमारा ये प्राथमिक विरोध इस वक्त प्राथमिक रूप से नहीं मान सकते, वो उन्होंने निरस्त किया है। लेकिन हमें आश्वस्त किया है कि जब याचक जो कि दूसरी तरफ है वो अपने सभी बहस दलील खत्म कर लेंगे तब हमको विस्तार से सुना जाएगा। हमारा पक्ष मैं रख दूं बहुत संक्षेप में, बाकी तो अंतिम निर्णय अंततोगत्वा चुनाव आयोग का होगा। हमारा पक्ष मुख्य रूप से इन बिंदुओं पे है कि कोई भी व्यक्ति गलत दस्तावेज, फोर्ज दस्तावेज, झूठे बेमानी दस्तावेज दायर करके ये नहीं कह सकता कि कोई विवाद है, डिस्प्यूट है। एक मानसिक उपज बना के, एक इमेजिनरी डिस्प्यूट बना के चुनाव आयोग में घुस जाए और 2-2 पार्टियां बताने लगे। हमने उस इमेजिनरी डिस्प्यूट के विषय में कई दस्तावेज रखे हैं। अभी हमारा समय आने वाला है बहस करने का, अभी हमने बहस नहीं की है। उसमें हम बताएंगे चुनाव आयोग को जो कि दस्तावेज हमने रखे हैं, अभी प्राथमिक रूप से रखे हैं, बाद में हम और विस्तार से रखेंगे कि कई ऐसे दस्तावेज हैं जहां की व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको क्लेम किया है कि पार्टी का हिस्सा है। कई ऐसे दस्तावेज हैं जो पूरी तरह से हस्ताक्षर हुआ है एक्स जगह पे और वो व्यक्ति रहता है हजारों मील दूर वाई जगह पे। कई ऐसे दस्तावेज हैं जहां उसने लिखित रूप से कहा है कि न मैं जानता हूं, न मैंने हस्ताक्षर किया, न मेरे से किसी ने बात की, न मैंने ये हलफनामा दिया है, कुछ भी नहीं किया मैंने। कई ऐसे दस्तावेज हैं जो बड़े स्पष्ट रूप से किसी और पार्टी का व्यक्ति है, उसको दिखा दिया अपने फैक्शन में, इत्यादि इत्यादि। ये सब वही दिखाते हैं कि ये एक इमेजिनरी डिस्प्यूट बनाई गई है, एक इमेजिनरी रूप से एक पार्टी को तोड़ने की। आज दूसरा, एक तो बात यह हुई, दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, संघीय ढांचा जो है संघ का, ऑर्गेनाइजेशन का, उससे जो याचक है वो दूर भाग रहे हैं। उन्होंने 10 बार ये दलील की कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, संघ का ढांचा है, उसको हम नहीं देखना चाहते हैं। दूसरा, जो विधायिका का ढांचा है एमपी एमएलए का, वो उच्चतम न्यायालय ने नकार दिया है सुभाष देसाई के निर्णय में। तो एक बड़ा रोचक नया टेस्ट उपज किया है दूसरे पक्ष ने, जिसका हम खंडन करेंगे, जिसको हम बताएंगे गलत क्यों है। सिंघवी ने कहा, चुनाव आयोग में सुनवाई 2 घंटे चली, पहले पार्ट की सुनवाई 1 घंटे चली। हमने कहा निर्धारित करने के लिए बाध्य है कि कोई विवाद है या नहीं। एनसीपी पर अधिकार और पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर के सोमवार को इलेक्शन कमीशन में अगली सुनवाई होगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र में एनसीपी के 53 में से 42 विधायकों, 9 में से 6 विधान परिषद सदस्यों और नागालैंड के सभी 7 विधायकों, लोकसभा और राज्यसभा के 1-1 सदस्य का समर्थन प्राप्त है। VideoDesk AmarUjala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।